सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके, और इस ब्लॉग में मैं आपको दर्शन कराऊंगा हरिद्वार में एक ऐसे मंदिर के जिसके शायद आपने अभी तक दर्शन नहीं किए होंगे, जो हरिद्वार बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, रानीपुर रेंज में माँ सुरेश्वरी देवी मंदिर, जहाँ 2-व्हीलर ले जाना या 4-व्हीलर या 3-व्हीलर ले जाना कंपलसरी है, पैदल आपको नहीं जाने देंगे। ये है एंट्री चेक पोस्ट, जहाँ रिसिप्ट मिलती है आपको अपने 2-व्हीलर और 4-व्हीलर की पार्किंग की, ₹15 2-व्हीलर और ₹30 4-व्हीलर। यहीं से अंदर चलते हैं, जंगल के रोमांच का आनंद लेते हुए और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ हाथी, तेंदुआ, टाइगर और अन्य जंगली जानवर आपको परेशान कर सकते हैं रास्ते में, पर माँ के दर्शन का जो विश्वास है वो आपको लिए चलता है इस रास्ते पर माँ सुरेश्वरी देवी की तरफ, और आप आनंद लेते हैं इस रास्ते का पूरी निर्भीकता से, बढ़ते रहते हैं अपने मनोरथ की तरफ, माँ के चरणों की तरफ, माँ के दर्शन के लिए। और बरसात में रास्ता थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ या जो अभी कच्चे रास्ते होते हैं यहाँ पे थोड़े, वो थोड़े खराब हो जाते हैं, तो इसलिए जब भी आप जाएं, जब भी आप इस तरह का बनाएं कि माँ के दर्शन के लिए जाना है, तो बरसात से थोड़ा सा बचें। तो कुल मिला के हरिद्वार में है 4 शक्तिपीठ, चंडी देवी, मनसा देवी, महामाया और सुरेश्वरी देवी। तो ये है सुरेश्वरी देवी यहाँ, और ये राजा जी पार्क के अंदर ही आता है पूरा एरिया, तो जंगलात विभाग बाहर बैठा रहता है, अंदर पार्किंग ये है, और ये स्टार्ट है मेन गेट, पर पैदल वालों को अंदर आने नहीं देते, तो इसलिए अपना बाइक और अपना व्हीकल होना ही चाहिए, उसकी बाहर एक पर्ची कट जाती है मेन गेट पे, और पार्किंग चार्ज भी वहीं ले लिया जाता है। आइए दर्शन कराते हैं आपको माँ सुरेश्वरी देवी के। हमारे साथ उमेश एंड फैमिली का कृष्णा डिजिटल लाइफ। स्कंद पुराण तक सिद्धपीठ श्री सुरेश्वरी देवी मंदिर द्वार, तो ये आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्यान है। स्कंद पुराणोदिक सिद्धपीठ श्री सुरेश्वरी देवी द्वार। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है ना, और अब शाम का समय भी हो गया है, उस समय धूप थी, यहाँ चढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, तो गर्मी वैसे भी नहीं लगने वाली। इसी प्रांगण में मौजूद है रुद्राक्ष का वृक्ष, जो बहुत ही कम जगह आपको देखने के लिए मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार राजा रजी के पुत्र से देवराज इंद्र पराजित हो गए और उन्हें अपना इंद्रासन छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति की आज्ञा से उन्होंने श्री विष्णु जी का ध्यान किया और विष्णु जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। विष्णु जी के आगमन पर विष्णु जी ने उन्हें माँ भगवती की वंदना करने के लिए इसी स्थान पर भेजा, और देवराज इंद्र उसके बाद माँ भगवती की स्तुति करने लगे, तपस्या की उन्होंने कई वर्षों, और इसी स्थान पर माँ भगवती ने उन्हें वापस दर्शन देकर इंद्रासन दिलाया। तो ये एक सिद्धपीठ है जो मनोकामना पूर्ण सिद्धपीठ है, यहाँ भक्त आते हैं अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना लेके। तो आइए दर्शन करते हैं माँ सुरेश्वरी देवी के, और इस उद्देश्य से कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, वहीं उनकी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति हो सके। आइए आपको दर्शन कराता हूँ माँ सुरेश्वरी देवी के। सीढ़ियों से जब हम ऊपर जाते हैं, तो सीढ़ियों के बिल्कुल सामने हैं सबसे पहले सुरेश्वर महादेव। तो दर्शन कीजिए आप सब मेरे साथ सुरेश्वर महादेव के।
और सुरेश्वर महादेव के मंदिर से ही आपको बिल्कुल सामने माँ भगवती के दर्शन, माँ सुरेश्वरी देवी के दर्शन हो जाते हैं। बिल्कुल दोनों स्थान जो हैं आमने सामने हैं, यहीं से आप देख सकते हैं सुरेश्वरी देवी माँ के दर्शन भी। अभी मैं आपको बिल्कुल समक्ष से दर्शन कराता हूँ। दर्शन कीजिए माँ सुरेश्वरी देवी के, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ है। और ये रानीपुर रेंज के अंदर आता है ये मंदिर। यहाँ पे नवरात्रों के समय पे तो बहुत भीड़ होती है, और बरसात के समय पे थोड़ा आप लोग संभल कर आए क्योंकि रास्ते बहुत खराब हो जाते हैं। और ये इतना जो बड़ा प्रांगण आपको सोना सा प्रतीत हो रहा होगा, यहाँ नवरात्रों के दिनों में कई यज्ञों का, कई अनुष्ठानों का आयोजन होता रहता है, भंडारे होते रहते हैं, इसलिए इतना बड़ा परिसर बनाया गया है ताकि जो माँ के भक्त दूर दराज से आते हैं यहाँ अनेकों अनुष्ठान कराने, उन्हें जगह की कमी ना महसूस हो। और साथ में जंगल का रोमांच, धन्य हो, जय हो माँ सुरेश्वरी देवी की, सदा सभी पर आपकी कृपा बनी रहे। और माँ सुरेश्वरी देवी के दर्शन के बाद आइए कराते हैं आपको दर्शन माँ काली के, जिसका रास्ता भी बिल्कुल यहीं से जाता है। कुछ समय पहले तक ये पहाड़ था, अब प्रॉपर एक रास्ता बना दिया गया है, सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। अदरवाइज एक पहाड़ पे जैसे चढ़ते हैं उसी तरह चढ़ के आपको माँ काली के दर्शन के लिए जाना पड़ता था, पर फिलहाल ये नवनिर्मित रास्ता, और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं एक भव्य नजारा जंगल और मंदिर का, इतना अद्भुत अलौकिक पल महसूस होता है। चारों तरफ से घिरा राजा जी नेशनल पार्क का ये इलाका और माँ काली का मंदिर, इतनी अच्छी हवाएं, इतना सुंदर वातावरण, और साथ में बहुत ही शांत क्योंकि शोरगुल से बहुत दूर है, बिल्कुल जंगल के बीच में है ये माँ सुरेश्वरी देवी और माँ काली का मंदिर। तो दर्शन कीजिए माँ काली के, जयकारा लगाइए, बोलिए जय माँ काली की। आप यहाँ जब भी आए, एक तो बरसात का मौसम देख के आए, बरसात में थोड़ा रास्ते खराब हो जाते हैं, जो नदियां होती हैं छोटी नदियां नाले वो उफान पर होते हैं थोड़े, और जंगली जानवरों का भय भी थोड़ा बढ़ जाता है अगर वहाँ फंस जाएं आप तो इसलिए। और हमेशा 4 या 5 बजे से पहले वापस जाने की कोशिश करें, शाम को ही वैसे खुद ही बंद हो जाता है यहाँ के, ज़्यादा देर तक घुसने नहीं देते, पर फिर भी आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम आएँ 9 बजे 8 बजे, ताकि शाम को आराम से 4-5 बजे तक आप यहाँ से निकल सकें। यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि नज़ारा ही इतना अद्भुत है माँ सुरेश्वरी देवी के आसपास का, और इतनी मन को शांति प्राप्त होती है कि आप यहाँ से जाने का सोचेंगे ही नहीं एक बार आने के बाद। और सुबह हम निकले थे 11 बजे, तो 11 बजे के बाद हम पहले चंडी देवी गए, उसके बाद हम माँ सुरेश्वरी देवी, मंदिर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है माँ सुरेश्वरी देवी कैसे यहाँ प्रकट हुई, कब से यहाँ बसी, और ये एक हवन कुंड जहाँ अक्सर, अभी आपको मैंने बताया था कि हवन चलते रहते हैं, और चारों तरफ का वातावरण इतना शांत, इतना शुद्ध, इतना पवित्र के मन को रोमांचित कर देता है, एक अलग ही आनंद से, शांति से भर देता है। आंखें तरस जाती हैं कहीं और जाने के लिए, कहीं और जाकर फिर यहीं दोबारा आने के लिए, इतना शांत, बहुत ही सुंदर वातावरण। माँ के दर्शन के बाद हम बाहर निकले मंदिर से,
और अभी बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक सुंदर रास्ता दिखाने वाला हूँ। जिस रास्ते हम अंदर आए थे वही प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर वो रास्ता। ये हम मंदिर से बाहर निकले और पार्किंग से उठाई हमने अपनी बाइक की। इसके बाद आनंद लीजिए मेरे साथ एक सुंदर रास्ते का, और फिर भी नहीं एक नए ब्लॉग में कहीं और। बाहर वापसी में मेरे साथ आनंद लीजिए चारों तरफ से घने वृक्षों से घिरे इस रास्ते का, अलग ही रोमांच। इसीलिए यहाँ एहतियातन गाड़ी कंपलसरी है, क्योंकि जंगली जानवर आते रहते हैं, तो कभी हाथी, तेंदुआ, टाइगर, इन्हीं सबसे बचने के लिए कंपलसरी है आपका किसी वाहन पे होना। फोर व्हीलर हो तो बहुत बढ़िया, वरना टू व्हीलर भी चले।